यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही धमाकेदार वीडियो। और ये लो दोस्तों, हमें तो यहाँ पे कुछ पैसे भी मिल गए। वैसे तो यार हमारे पास में पैसे काफी है, मतलब अनलिमिटेड मनी पड़ी है, लेकिन फिर भी यार ले लेते हैं, मिल रहे हैं तो ये लो दोस्तों, हमने यहाँ से जंप लगा दिया है। लेकिन यार टिप्सन का घर तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर रह गया और हम तो यहाँ हॉस्पिटल तक ही पहुँचे हैं, तो ये लो स्टील सूट से मुड़ के चलते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं टिप्सन दादा के पास में, चलो इनसे बात करते हैं। हेलो टिप्सन दादा। अरे छोटे, मैंने तुझे कितनी देर पहले कॉल किया था यार, तू जल्दी से क्यों नहीं आया, इतनी लेट क्यों हो गया, कहाँ था तू? अरे लेकिन हुआ क्या है पहले वो तो बताओ महाराज, क्या हो गया? अरे मेरी एक फ्रेंड है यार अर्टिका, जो यहाँ पर नई नई रहने को आई है इस वाइस टाउन में, उसको ना कुछ लोग परेशान कर रहे हैं काफी दिनों से, तो उसे अपनी हेल्प की जरूरत है, तू वहाँ जा और उन गुंडों की पिटाई कर दे यार। अरे अरे एक मिनट, अर्टिका, अर्टिका कैसा नाम हुआ? और ये लड़की है, मतलब आपकी कोई फ्रेंड लड़की भी है, ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था। इसमें पता होने वाली कौन सी बात आ गई, क्या कोई लड़की मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती? हो तो नहीं सकती, पता नहीं ये कैसे इसको गलतफहमी हो गई। छोटे क्या गुनगुन कर रहा है, ठीक से बोल, क्या बोलना है? जो कुछ नहीं बोलना यार टिप्सन दादा, आप तो मुझे ये बताओ वो कहाँ मिलेगी, उसका एड्रेस तो दो, मैं जाता हूँ और उसकी हेल्प करके आता हूँ। छोटे मैप खोल के देख, मैंने ऑलरेडी मैप पे उसका एड्रेस डाल रखा है, तू जल्दी से वहाँ जाओ और उसकी हेल्प कर यार। अच्छा अभी देखता हूँ, तो ये रहा हमारा मैप और इस पे, ओ भाई यहाँ पे ये लड़की, तो ठीक है मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन सेट कर लेता हूँ। तो टिप्स दादा मैंने लोकेशन सेट कर ली है और अभी मैं जा रहा हूँ, तो चलो दोस्तों जल्दी से चलते हैं हम अर्टिका की हेल्प करने के लिए। तो यहाँ से जाने के लिए हमें चाहिएगी एक कार, तो जल्दी से अपनी एक फेवरेट कार को ऑर्डर करते हैं जो कि हमारी रोडस्ट कार। तो कहाँ मिलेगी ये भाई, कहाँ है रोडस्ट कार, ये रही। तो दोस्तों इसे हम ऑर्डर कर चुके हैं और ये देखो ये फटाक से आ भी चुकी है, तो जल्दी से इसमें बैठ के चलते हैं भाई, अपना इम्प्रेशन बनना चाहिए। लड़की है और बाहर की है भाई, फॉरेन कंट्री से आई हुई लग रही है, तो चलो चल के देखते हैं उसे किस टाइप की हेल्प चाहिए, हम चलते हैं वहाँ पे। और भाई यार काफ़ी ज़्यादा दूर है उसका लोकेशन जो है वहाँ पे, मैं नहीं जानता उसका घर है क्या है, लेकिन हमें लोकेशन वहीं की लगा रखी है टिप्सन दादा ने, तो हम वहीं चलते हैं। ओ भाई ये पहुँच भी गए हम तो यार फटाक से, देखा हमारी रोडस्ट कार कितनी फास्ट है। तो यहाँ पर ये लड़की हमें मिलेगी, मतलब यार ये तो एक तरीके का मिशन है दोस्तों, तो हम जल्दी से इस मिशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे यार ये बंदी दिखाई तो नहीं दे रही दूर दूर तक, यहाँ कोई घर भी नहीं है, ये तो मतलब एकदम लोकल एरिया है भाई यहाँ पे। ये लो भाई हम इस मिशन के अंदर आ चुके हैं और अभी हमें वहाँ और जाना है। यार क्या ऐसे स्ट्रेटजी बना रखी है इन लोगों ने। ओ भाई इस बंदी को तो कुछ गुंडे लोग मारने के लिए आ गए हैं। ओए रुक जाओ वहीं पे, वरना मैं तुम सबकी हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे तू यहाँ से भाग जा, तू हमें जानता नहीं है, हम यहाँ के डॉन है, डॉन। ठीक है तो फिर मैं अभी तुम सब डॉन को मौन कर देता हूँ, आ जाओ फिर। दोस्तों इनके साथ में हमारी फाइट स्टार्ट हो चुकी है और भाई इन सबके पास ना हैवी गन है, तो हम भी हमारी हैवी गन ले लेते हैं भाई, हैवी ब्लास्टर गन लेते हैं और इन सबको एक साथ कंकाल बना देते हैं। तो ये लो दोस्तों अब आ जाओ बेटा, ये ले पहले तो तू ले भाई हेडशॉट लेके, हम इनको कंकाल बना रहे हैं। ये इसका भी हेडशॉट, क्या बात है, इसका भी भाई हेडशॉट ही लेंगे तो ये। ओ भाई ये बंदा कौन है, इसने तो मुझे मार दिया। और ओ भाई ये क्या यार, ये लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक निकली, इसने तो उस डॉन की एक ही किक में टाई टाई फिश कर दिए। दोस्तों तुमने बहुत अच्छी फाइट की, अब तुम्हारी हालत कैसी है, क्या तुम्हें सब अच्छा फील हो रहा है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो, मुझे तो तुम कोई हीरोइन लग रही हो, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अर्टिका है और तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने मेरी हेल्प की, थैंक यू सो मच, हम शाम को कहीं डिनर पे चलते हैं, तुम मेरे घर आ जाना, अभी मुझे जाना होगा, बाय। ओ भाई इसने तो इनविटेशन दे दिया है, चलो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और चलते हैं इसके घर पे। यार अपने घर बुला के गई है बंदी, और मतलब यार समझ रहे हो रोप हीरो का तो मुझे लग रहा है भाई किस्मत खुल चुका है, मतलब यार टिप्सन की फ्रेंड है और रोप हीरो की गर्लफ्रेंड बन सकती है भाई, क्यों नहीं बन सकती। और मुझे तो यही लग रहा है कि रोप हीरो का ना तगड़ा इंप्रेशन बन चुका है इस लड़की पे, तो चलो अब जल्दी से इसके घर चलते हैं, देखते हैं पहले इसका घर कहाँ है। यार इसका घर तो देखें जल्दी से मैप में आ चुका है, और भाई इसका घर यहाँ पे दोस्तों, ये इसका घर हमारे घर से काफी क्लोज है, मतलब कि भाई पड़ोसी है यार ये तो हमारी, तो जल्दी से चलते हैं यहाँ से, तो इसका घर दूर है लेकिन हमारे घर से काफी क्लोज है, ये बहुत तगड़ी वाली एडवांटेज मिल चुकी है हमें। जल्दी से चलते हैं भाई अब हम इसके घर और देखते हैं क्या ही आगे सीन बनता है।
और ये लो दोस्तों, हम इसके घर भी पहुंच चुके हैं। और भाई घर देखो यार, इसका कितना बड़ा घर है भाई। इतना बड़ा तो किचन का और रोपीरो का दोनों का घर मिला देना तो भी इतना बड़ा घर नहीं बनेगा जितना इस बंदी ने अकेले के लिए खरीदा है यार। ये घर सच में काफी पैसे वाली बंदी लग रही है यार ये तो मुझे। वैसे भाई इसने तो हमें डिनर के लिए इन्वाइट किया था और हम अभी आ चुके हैं, अभी तो लंच का टाइम हो रहा है। लेकिन अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो जल्दी से अंदर चलते हैं और अंदर चल के इससे कुछ बातें ही कर लेते हैं। चलो जल्दी से इस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई ये अंदर से कितना आलीशान है। मतलब यार इतना बड़ा घर है, हम कभी भी इस घर के अंदर नहीं गए। ओ भाई ये क्या, ये बंदी तो खुद ही बाहर आ गई और कह रही है हम कहीं घूमने चलते हैं। यार ये क्या सीन बना दिया, मुझे घर देखना था। लेकिन चलो कोई नहीं भाई, गाड़ी भी जबरदस्त लेके आई है, सच में ये काफी पैसे वाली बंदी है। तो दोस्तों अब हमें इस कार को ड्राइव करके इसे ना किसी अच्छी सी जगह लेके चलना है। मतलब हम डेट पे जा रहे हैं भाई इस बंदी के साथ। ओ भाई क्या बात है, डेट पे जा रहा है आपका रोपीरो भाई, विश्वास नहीं हो रहा। मतलब यार GTA 5 की तरह हो चुका है ये गेम तो। मतलब डेटिंग सेटिंग चल रही है भाई गेम के अंदर, क्या चल रहा है ये सब। वो भाई लॉटरी लग गई है रोप हीरो की तो। मतलब टिप्सन हमें इतने सारे मिशन देता था इतने दिनों से, मतलब इतने सालों में जाके ना टिप्सन ने पहली बार कोई ऐसा मिशन दिया है कि रोप हीरो को मजा आ रहा है सच में। वरना यार हर बार लड़ाई दंगे के ही देता रहता था, अब तो भाई टिप्सन ने हमें डेट पे जाने का मिशन दे दिया। और ये लो दोस्तों, हम इसे लेके आ चुके हैं डेट के लिए और भाई हम पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये है अरेना हाउस। में बता दूं यार, यहाँ का जो लंच होता है ना वो बहुत ही शानदार होता है, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ लेके आया हूँ। ये यहाँ पे खाना खा के ना रोप हीरो के नाम की दीवानी हो जाएगी। अरे बात जानू, आज तो ज़ॉम्बीज का मीट खा के मजा ही आ गया। अब तुम मुझे ना जल्दी से मेरे घर छोड़ दो, अब मुझे तगड़ी वाली नींद आ रही है। दोस्तों मैं तो वेजिटेरियन हूँ लेकिन यार ये बंदी नॉन वेज खाती है, तो इसके लिए ना मैं अरेना हाउस के अंदर जाके ना ज़ॉम्बीज के रूम से 2-3 ज़ॉम्बीज को मार के लेके आया था। और भाई ये ना इतनी गंदी बंदी है भाई, ये ज़ॉम्बीज को खा गई। वैसे दोस्तों मैं सोच रहा था अगर रोप हीरो की इस बंदी के साथ में शादी हो जाती है तो रोप हीरो का तो खाने का खर्चा ही बच जाएगा। मतलब यार ये बंदी तो ज़ॉम्बीज खाती है और हमारे वाइस टाउन में इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं कि रोप हीरो ना डेली के डेली जाएगा अरेना हाउस में और 2-3 ज़ॉम्बीज मार के ले आएगा इसके लिए, और ये खा पी के मस्त रहेगी एकदम। तो एकदम मस्त वाली लाइफ चलने वाली है इनकी। आप लोगों का क्या सोचना है यार, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलो अभी इससे बात करते, इसका घर आ चुका है काफी क्लोज। सो अर्टिका कैसा रहा आज का दिन, कैसा लगा तुम्हें आज मेरे साथ डेट पे जाकर? सच कहूँ तो रोप हीरो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और तुम्हारे साथ डेट पे जाके बहुत मजा आया। मैं ना अब तुम्हारे साथ सुपर डेट पे जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ सुपर डेट पे चलोगे? हाँ हाँ जरूर, कब चलना है सुपर डेट के लिए? आज शाम का टाइम बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है फिर डन, तो ये डेट को हम यहीं पे और करते हैं। और ये लो दोस्तों, हमने डेट कंप्लीट कर लिया है, अब हम जाने वाले हैं सुपर डेट के लिए। तो जल्दी से हम मैप में चलते हैं और देखते हैं कि सुपर डेट के लिए ये बंदी हमें कहाँ मिलने वाली है। मतलब यार ये ना हर बार अपनी लोकेशन चेंज करती रहती है, अभी तो ये घर पे है नहीं, और सुपर डेट हमारी होने वाली है यहाँ पे। ओ भाई इस लोकेशन पे हमारी सुपर डेट होगी, तो हमें यहाँ पे जाना होगा जल्दी से। तो जल्दी से हम चलते हैं और देखते हैं भाई सुपर डेट क्या चीज़ होती है। मुझे तो डेट का ही कुछ नहीं पता था, मैं तो डेट पे पहली बार गया हूँ भाई इस बंदी के साथ, तो अब सुपर डेट पे क्या होने वाला है रोप हीरो को कुछ भी नहीं पता है। बस हम जल्दी से अपने लिए रोडेस्ट कार मंगवाते हैं, पहले लेके आए थे हम रोडेस्ट कार, पता नहीं कौन ले गया। चलो कोई नहीं, अब दूसरी मंगवा ली है। और ये भाई अब हम जा रहे हैं सुपर डेट के लिए। लेकिन यार दोस्तों हमने टिप्सन को तो अभी तक बताया नहीं कि हमने उसकी फ्रेंड की हेल्प की या नहीं की। मतलब यार मैं सोच रहा हूँ उसे चल के बता देते हैं कि हमने भाई उसकी फ्रेंड के साथ में डेटिंग शेटिंग स्टार्ट कर दी है और अब हम उसके साथ में सुपर डेट के लिए जा रहे हैं। लेकिन भाई वो टिप्सन ना बहुत ही हरामी टाइप का बंदा है, वो ये सब कुछ बीच में कैंसिल करवा देगा भाई। आप लोग नहीं जानते हो यार, वो सच में आरामी टाइप का बंदा है। और ये लो दोस्तों शाम का टाइम भी हो चुका है, मतलब यार क्या मस्त सीन चल रहा है ना, सुबह से शाम हो गई है और बंदा इस बंदी के पीछे लगा हुआ है अपना रोप हीरो। और यार अब सुपर डेट के लिए हम लोग यहाँ आ चुके हैं, अब देखते हैं भाई सुपर डेट क्या चीज होती है। मतलब ये तो यहाँ पे पार्किंग का सीन है भाई, यहाँ पार्किंग में कौन सी सुपर डेट होगी पता नहीं भाई, पहली बार आया हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ से अपनी सुपर डेट स्टार्ट होती है। तो ये लो दोस्तों हम सुपर डेट के लिए आ चुके हैं और देखते हैं इसमें क्या ही सीन होता है भाई। रेडी शेडी तो ऐसे कर रहा है, यहाँ पे पिछले काफी दिनों से बहुत सारी क्राइम्स हो रही है तो आज हम लोग यहाँ पे बैठ के चौकीदारी करेंगे। ओ तू पागल हो गई है, हम लोग यहाँ सुपर डेट के लिए आए हैं या फिर पेट्रोलिंग करने के लिए आए हैं? मतलब यार हद हो गई, तूने मुझे सुपर डेट का बोला था और ये सब क्या है? मेरे लिए तो यही सुपर डेट है और मेरा मिशन है वाइस टाउन के सारी क्रिमिनल्स को मार देना। तो अब तुम जल्दी से इन क्रिमिनल्स को मारने पे ध्यान दो वरना ये लोग हमें मार देंगे। अरे यार इस लड़के ने हमें ये कहाँ फंसा दिया, मतलब सुपर डेट का बोल के हमें देखो कहाँ गुंडों के बीच में ला के छोड़ दिया इसने। मतलब भाई ये ना हमारे साथ धोखा कर रही है। मतलब यार सुपर डेट का बोल के बताओ यहाँ फाइट के लिए लेके आई है, मतलब
कोई फीलिंग सही नहीं यार भाई की। हम तो सोच रहे थे सुपर डेट पे जा रहे हैं, मतलब किसी होटल में जाएंगे कहीं खाना वाना खाएंगे, लेकिन यहाँ पे भाई लात घुसे खा रहे हैं। अब क्या ही करे भाई, इनके चक्रों में यही सब होता है भाई। अब ना हमारी रोप हीरो को इस लड़की से दूर ही रखना है, क्योंकि भाई कुछ पता नहीं है, सुपर डेट का बोल के ये हमें ऐसे कामों में फंसा सकती है, तो नेक्स्ट टाइम भाई ये शादी का बोल के हमें किसी और ही लफड़े में पटक देगी। तो इसके लिए ना भाई बच के रहना है, तो जल्दी से अभी इस मिशन को कंप्लीट करना है, सारे बंदों को मारना है, फिर इस बंदी से ब्रेकअप कर लेना है, क्योंकि भाई इससे दूर रहने में भला ही है। अब इनको मारते हैं। अरे तू अब साइड में तोड़ जा, इनको मारने तो दे यार, बीच में आ रही है इसकी गोली लग जाएगी। ये ले, मैं कब से बोल रहा हूँ साइड में हट जा, साइड में हट जा, नहीं हटेगी तो ऐसा ही होगा। मैं बोल रहा था यार बीच बीच में क्यों आ रही थी। अबे तू कहाँ से आया है? अरे हट छेदी लाल, अबे हट जा, और तू भी आ, तुझे तो मारना ही पड़ेगा बेटा। ये ले, और ये लो दोस्तों, हमने फाइनली सबको मार दिया है, और उस बंदी से भाई ब्रेकअप अपने आप ही हो गया है, मैंने नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ उस बंदे को लात मारी थी, और वो बंदा जाके ना उस लड़की पे गिर गया। तो उस लड़की को ये लगा कि मैंने जानबूझ के उसे इस तरीके की किक मारी कि उसे मैं गिरा सकूं। मतलब यार क्या है ये, ये देखो उसने इतनी सी बात पे ब्रेकअप कर लिया, वैसे अच्छा है ब्रेकअप कर लिया। आप लोग देख सकते हो मैप मैप वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, काफ़ी अच्छी बात है भाई, नहीं दिखाई दे रही, ब्रेकअप हो गया, बहुत अच्छा हुआ यार, वरना ये हमें पता नहीं कहाँ फंसा देती। आज ही सुपर डेट का बोल के देखो हमें कहाँ गुंडों के बीच में लाके पटक दिया था उसने। अब फाइनली उससे ब्रेकअप हो गया, पीछा छूट गया भाई, अब वो हमारी लाइफ से जा चुकी है, बहुत अच्छी बात है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, रोप हीरो के नई अपडेट 5.8 वर्जन में बस यही एक लव वाला मिशन था जो नया आया था, और इसके अंदर बस इतने स्टेप्स थे जो हमने कर दिए हैं। वैसे तो ये लव का मिशन था, लेकिन इसे हमने भाई ब्रेकअप तक पहुंचा दिया है। आप लोगों को अगर ये ब्रेकअप अच्छा लगा हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा तो भाई कमेंट करके हमें बता देना, हम वापस से रोप हीरो का ना पैचअप करवा देंगे, क्योंकि लाइफ में ब्रेकअप और पैचअप ये सब तो चलते रहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा यार ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।